सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले वैलेंटाइन की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? ऑफ कोर्स वैलेंटाइन की जब भी बात करते हैं तो प्यार ही दिमाग में आता है, और क्योंकि ये दिन जो मनाया गया है, जो मनाते हैं वो प्यार बांटते हैं इस दिन में। स्पेशली मतलब ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही का वैलेंटाइन होता है, ये किसी का भी हो सकता है। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार। तो मैं ये मानता हूँ कि वैलेंटाइन डे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। आपकी बात करें तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं हर साल? मैं अपने घर पे सेलिब्रेट करता हूँ, और मेरी वैलेंटाइन 14 साल पहले ही मेरे पास आ गई थी, तो मैं उन्हीं के साथ मनाता हूँ वैलेंटाइन। और मेरे 2 बेटे हैं तो मैं घर में मनाता हूँ। स्कूल कॉलेज में हर किसी का क्रश होता है, लव होता है, कुछ अगर शेयर करना चाहे हमारे साथ? ऑफकोर्स होता है। कॉलेज तक तो पहुंच नहीं पाया था मैं, क्योंकि मैं बीच में ही डांसिंग में घुस गया था। स्कूल में था ऑफकोर्स, सभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूल में क्रश होता है, और मेरा भी था। तो बट वो स्कूल की बातें, वो बचपन में चला गया तो चला गया। कभी डांस करके उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की आपने? अब मौका नहीं मिला मुझे। जब मैं वहाँ था, उन स्कूल में था, तो मैं डांस करता था, सब पसंद करते थे, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि इंप्रेस करूँ उनको और डांस करके। और शायद उस वक्त उतना दिमाग नहीं चलता था मेरा शायद। अच्छा, डांस के बाद जब सब आपको पहचानने लगे, तभी किसी ने ऐसा हुआ कि आपको आके कुछ कहा हो कि रेमो सर आई लाइक यू या समथिंग? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत होता है। फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं जो देखते हैं, बहुत बहुत बार ऐसा होता है, और आते हैं, कई बार कहते हैं कि आई लव यू, आई लाइक यू, बहुत ऐसा कुछ होता है डांस के बाद। बट अच्छी बात है, और इसी के लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि ये सब सुन पाए हमारे फैंस। अच्छा, इस साल की बात करें तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा। ABCD2 ने 100 करोड़ का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पर, तो क्या कहना चाहेंगे, अगर एक लाइन में कहना चाहें अगर इस साल के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? 2015 कैसा रहा आपके लिए? 2015 मेरी अब तक के जितने भी साल थे उस उनमें से सबसे अच्छा साल था, क्योंकि मेरी फिल्म बहुत मेरी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, हिट हुई है, लोगों को बहुत पसंद आई है। मेरा टीवी सीरीज़ जो मैं करता हूँ डांस प्लस, वो हिट हुआ। फिर मैंने जो कोरियोग्राफ किए थे उस कोरियोग्राफी के लिए मेरे को इस साल के सारे अवार्ड्स मिले हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इस साल 2015 वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अच्छा, और डांस से आपने शुरुआत की, अभी आप डायरेक्शन में हैं जी, तो ये जो लंबी जर्नी थी आपकी वो कैसी रही, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? डांस डांसर्स से कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर से डायरेक्टर, काफ़ी लंबी जर्नी थी, और बहुत उतार चढ़ाव थे इस जर्नी में। इंटरेस्टिंग थे, बट वो उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी होता है जब आपको कहीं पहुँचना होता है, तो उसके लिए आपको कई ऐसे रास्ते लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते हैं, तो मुश्किल भी थे, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं कहूँगा कि मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे आपने पहली फिल्म बनाई फालतू, वैसे लोगों ने सोचा, मतलब पहले आप सब ने एक्सपेक्ट किया था कि आप सिर्फ डांस के ऊपर मूवी बनाएंगे ऐसे कुछ, लेकिन आपने शुरुआत की फालतू से जी। तो ऐसा कोई जॉनर है भविष्य में जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे डांस के अलावा या कॉमेडी के अलावा? मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ एक्शन जॉनर, मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल फ्लाइंग जट, जो टाइगर श्रॉफ के साथ कर रहा हूँ, वो पूरी एक्शन मूवी है, और ये बिल्कुल ही अलग है। डांस है इसमें, लेकिन उस तरीके से नहीं है जो मेरी डांस फिल्म में होता है, लेकिन एक्शन बहुत है इसमें जी। जैसे आपने फ्लाइंग जट का जिक्र किया, बीच में पोस्टर आया था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन उसमें टाइगर का जो लुक है जी, वो सुपर हीरो का लुक है, तो उसके बारे में, लुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। क्योंकि सब जानते हैं कि ये फिल्म एक सुपर हीरो की है, और टाइगर श्रॉफ जो है वो इंडिया के पहले यंग सुपर हीरो प्ले कर रहे हैं, सुपर हीरो हैं, और जो जो सुपर हीरो में खूबियाँ होती है वो सब है उसके अंदर, लेकिन एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है जो आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा जी। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे वैलेंटाइन डे को लेकर? ऑडियंस को मैं सिर्फ विश करना चाहूँगा हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड स्प्रेड लव। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।